छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी अपने लिए जमीन तलाश रही है तो कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनंदनगांव के ग्राम ठेकवा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, गृह मंत्री सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये सरकार गरीबों, पिछड़ों, किसानों की सरकार है, लेकिन केंद्र में खुद खाओ और अपनों को खिलाओ वाली सरकार है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह आया है, 5 सालों में छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी की दायरे से बाहर आए हैं। 40 लाख लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए तो ये गरीबों को मदद किए जैसा है ना, तो ये क्यों फिर बार बार हमको पूछते तुमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, रिपोर्ट दो। शाह तो बोलते हैं हर जगह गए तो हमारी रिपोर्ट ले, तुम्हारी रिपोर्ट देव बोलते हैं, मेरा रिपोर्ट उसी लिए मैं दे रहा हूँ। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और उन्हें लुटेरा घोषित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनगणना नहीं करवा रही है। हर 10 साल में जनगणना होते ओलत करा दे, सोनिया जी पत्र लिखी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी तक जनगणना नहीं करा थे। 2021 में हो जाना रही से, 2021 में यदि जनगणना होती तो औ जन गरीब आदमी मन है ते मल्ला मकान के पैसा मिलती कि नहीं मिलती, वो मल्ला निराश्रित पेंशन मिलती कि नहीं मिलती, नहीं करे इस हमन अभी आर्थिक सर्वेक्षण कराएं। और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण कराएं तो 47,000 परिवार ऐसे निकली जेकर कर छत नहीं है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से तो कोई उम्मीद नहीं है, उनके शासनकाल में तो छत्तीसगढ़ में लगातार हत्या, बलात्कार, टारगेट किलिंग, पुलिस वालों के साथ में मारपीट, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, और इसलिए हम मांग करते हैं कि बीजेपी की जो दोनों परिवर्तन यात्राएं निकलने वाली हैं उसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। बता दें बीजेपी इस समय देश भर में संकल्प यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा चला रही है। इसमें वे विरोधी पार्टियों के खिलाफ हुंकार भरती हुई नजर आ रही है।